और इस वक्त की बड़ी खबर, तृणमूल कांग्रेस के सांसद मुकुल रॉय को टीएमसी संसदीय दल के नेता पद से हटा दिया गया है। पार्टी मुकुल रॉय से नाराज चल रही है। कल ममता बनर्जी ने टीएमसी की स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग बुलाई थी। इस बैठक में मुकुल रॉय पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। संदीप सुनवरकर फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप, नाराजगी पहले से चल रही थी और इसका जिक्र खुद ममता बनर्जी भी कर चुकी हैं, अब ये क्या नया फैसला लिया गया है? देखिए, मुकुल राय के बीजेपी में जाने की चर्चाएं चल रही है। मुकुल राय ने कल अरुण जेटली से मुलाकात की थी संसद भवन में, उसके बाद पार्टी को लगा कि वो उनका रास्ता अलग हो रहा है। इसके पहले ममता बनर्जी मुकुल राय का घर खाली कर चुकी है, जो दिल्ली में था, जहां पर उनका सामान रखा रहता, तो पार्टी से उनकी दूरियां अब इतनी बढ़ गई है कि मुकुल राय के रास्ते अलग हुए हैं, इसलिए पार्टी ने उनको फिलहाल अपने संसदीय दल के नेता पद से हटा दिया है और आने वाले समय में उनको पार्टी से भी हटाने का रास्ता लिया जाएगा। और इसकी कितनी अटकलें हैं कि बीजेपी में शामिल हो रहे हैं? देखिए, उनकी मुलाकात अरुण जेटली से हुई और मुकुल राय से जो हमारी ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई, वो साफ तौर पर कहते हैं कि बंगाल में बीजेपी का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है और ममता बनर्जी कई ऐसे फैसले ले रही जिससे टीएमसी को नुकसान हो रहा है। यानी मुकुल राय कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ झुकते हुए नजर आ रहे हैं, और चूंकि अरुण जेटली से उनकी कल पार्लियामेंट में मुलाकात हुई है, इस बात से अटकलें ज्यादा लगाई जा रही है कि शायद मुकुल राय का रास्ता अब बीजेपी की तरफ जाता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत के लिए।